अच्छा तो गाइस व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार मेरा किसी फिरका से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिरका वारियत को खत्म करें और इजी हो गए व्लॉग एंजॉय करें, नो हेड वाला सीन है, लव यू हो गया, मिलते हैं व्लॉग के बाद। तो अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो यार आज 12 रबीउल अव्वल, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यार हम मुसलमान कैसे इस 12 रबीउल अव्वल को बाबरकत दिन को मनाते हैं। और अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, मैं जा रहा हूँ इस टाइम करतबा चौक के पास, जहाँ पे मेरे मामू जो हलीम लगा के बैठे हुए हैं बांटने के लिए, और साथ मेरे कज़न हैं अदनान भाई, वो साथ लड्डू पिठी लगा के बैठे हैं। तो वेलकम हो गया आप लोगों का अंस कट व्लॉग के अंदर। तो मैं वीडियो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले ही कर देना, कमेंट कर देना जौन सा पॉइंट अच्छा लगेगा, तो मैं आपको सामने का भी व्यू दिखाता हूँ। तो बाकी वहाँ जाके आपको मिलते हैं। यार गाइस मैं इस वक्त करतबा चौक पहुँच चुका हूँ, ये मैं आपको सामने दिखाता हूँ, वो जो सामने एक मोनूमेंट सा है ना, इसको कहते हैं भाईजान करतबा चौक। करतबा चौक से आपको हम लोग मामू ने मुझे लोकेशन जो दी है ना, वो है जेल रोड की। अच्छा तो यार अगर सड़कों की सूरत हाल की बात की जाए, तो यार कोई रश नहीं है इस टाइम, जबकि रात के टाइम जिस तरह ये भी मगरिब के टाइम होगा ना, तो जो गलियों वाली साइड होगी और जो भी मार्केट्स के अलावा जो एरियाज हैं ना, वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत रश होगा, लोग निकले होंगे, कुछ लाइटें देखने आए होंगे, कुछ भाईजान आए होंगे खाने पीने के लिए। खाने पीने का रबीउल अव्वल में बहुत ही बड़ा रबीउल अव्वल वाले दिन रिवाज होता है। ये अब आ गया है टोयोटा सहारा, यही है, हाँ जी, इधर से हम लोगों ने लेफ्ट होना है, तो मुझे उसके लिए आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा। मैं अगर पीछे से सर्विस रोड पे होता तो मेरे लिए बेस्ट सीन हो जाना था, लेकिन चलें आगे से जाके यू टर्न लेते हैं और आपको डायरेक्ट उधर के अब सीन्स दिखाते हैं। तो यार ये गली है जिधर हलीम बंटी हुई है, और वो सामने मेरे मामू खड़े हुए हैं, जाके आपको दिखाते हैं मामू मेरे किधर मुझे ले आए हैं हलीम के लिए, और मेरी किस्मत कहाँ पे थी हलीम के लिए, हलीम अपने घर से लेने आए और सामने मामू खड़े हैं। तो बाकी आपको सामने किसी से बात दिखाते हैं। अच्छा तो गाइस जो हलीम थी वो तो उन्होंने देखी अपने घर में रखी थी, तो मुझे सुटेबल नहीं लगा उनके घर में शूटिंग करना, तो मैंने कहा यार चलो आपको बाद में रिव्यू वगैरह दे दूंगा। यार हलीम बड़ी अच्छी थी, तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने कज़न जिसकी तरफ हमने लड्डू पिठी लेने जानी है। तो यार जो लोकेशन मुझे नान भाई ने दी थी उधर मैं ऑलमोस्ट पहुँच रहा हूँ, बाकी सामने होप सो कोई छोटी तंग गली ना हो, तो यार मुझे कोई मसला ना हो गाड़ी की वजह से। ठीक हो गया यार, रश बना है इधर, मैं तो फंस गया हूँ, बाकी निकालते हैं। ये पता नहीं किसने बाइक इधर खड़ी की है, ये मुझे पता भी नहीं था आप इधर के भाईजान मार्केट है, जगह नहीं होगी। अच्छा तो यार फाइनली मैंने लड्डू पिट्ठी भी ले ली है, अब चलते हैं गाड़ी में और घर चलते हैं, फिर उसके बाद जरा दो चार काम हो रहे हैं वो करते हैं, और उसके बाद आपको रात के सीन्स दिखाते हैं। अच्छा तो यार मैं अब आप लोगों को पूरा सीन बताता हूँ, हुआ क्या है, वो ना बाज़ार था, तो मुझे पता नहीं था बाज़ार है, मैंने कहा शायद कोई अपने घर के गली के उन्होंने नुक्कड़ में लगाई होंगी, लेकिन वो तो प्रॉपर एक बाज़ार है। अब वहाँ पे मैंने लगाने के बाद ना, वहाँ पे मैंने बोरी बोरी उनको इस तरह शीशे से डब्बे पकड़ाए हैं आगे से, तब तक मैंने गाड़ी मोड़ी आपको जिस तरह मैंने दिखाया, गाड़ी मोड़ने के बाद मैंने फौरी फौरी उनसे दोबारा डब्बे लिए हैं, उतर के फिर मैंने उनसे वो चटनी का पैकेट लेके आया हूँ, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं अब हमारे जिम्मे और क्या काम है। अच्छा तो यार मिशन फैमिली का हम टाइम स्टार्ट करते हैं, और अब हम इस टाइम आ चुके हैं ये अपने खाला और उनके बच्चों के साथ आ चुके हैं, हम पता नहीं किसी गली में, आवे आपको थोड़ा सा दिखाते हैं लाइव, उधर जाके आपको सीन्स दिखाते हैं। चेक करो यार उस टाइम मेरे पीछे भी बड़ा बड़ा माल मिल रहा है यार। अहमद को क्या मिला? अच्छा गाइस तो ये मेरे कज़न ने भटूरे और चने लगाए हुए थे बांटने के लिए, तो यार माशाल्लाह से यार गाइस आप देख सकते हैं कितना एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है हम लोगों ने, कि कोई गंदगी का कोई माहौल नहीं। काम आना शुरू हो गई है, चेक करें। स्पॉन्सर्ड बाय वकार भाई। अच्छा तो गाइस आप लोग को होपफुली व्लॉग पसंद आया हो, तो यार मस्ट शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दें, लोगों को सब्सक्राइब करवाएं यार, 22,000 सब्सक्राइबर करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।